प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से ग्रामर फैमिली के बारे में बताऊंगा। और एक बात मैं आपसे शुरू में ही कन्फेस कर लूँ, स्वीकार कर लूँ कि ये स्टोरी, ये आइडिया मेरा खुद का नहीं है। मुझे किसी फ्रेंड ने व्हाट्सअप पर फॉरवर्ड किया, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा क्यों ना इसको आपसे शेयर कर लूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि खुशियाँ, दुख और अच्छे आइडियाज़ हमेशा दूसरों से शेयर करने चाहिए, क्योंकि खुशियाँ शेयर करने से, बांटने से बढ़ती हैं, दुख शेयर करने से घटता है और अच्छे आइडियाज को शेयर करने से लोगों का भला होता है। तो आज का वीडियो जो ग्रामर फैमिली में आपको बताऊंगा, इसके माध्यम से आपका थोड़ा सा भला हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जो कि आठ है, एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी काफी भारी भरकम टॉपिक लगता है। बट आज की स्टोरी, आज का आइडिया इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको बहुत इजी कर देगा, यानी हम समझ जाएंगे कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन है। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो चलिए इस ग्रामर फैमिली के मेंबर्स से आपको एक एक करके रूबरू करवाते हैं। देखिए, इस ग्रामर फैमिली में कुल आठ मेंबर्स हैं, आठ सदस्य हैं। अब उनके नाम क्या हैं, उनके फंक्शन, उनके काम क्या हैं, हम आपको एक एक करके बताएंगे। जिस तरह से आपकी हमारी फैमिली में चाहे मेंबर कितने भी हो, बट कुछ चीफ मेंबर होते हैं, उसी तरह से इस ग्रामर फैमिली में इसके चीफ है अ कपल, एक जोड़ा है। जिस तरह से हमारे आपकी फैमिली में भी एक कपल ही उसका चीफ होता है, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता और पिता। तो इस फैमिली में जो कपल है, जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो है मिस्टर नाउन एंड मिसेज वर्ब। अब देखना यह है कि जो इस ग्रामर फैमिली में जो चीफ का दर्जा मिला, वो मिस्टर नाउन और मिसेज वर्ब को क्यों मिला। देखिए, नाउन आप जानते हो, नाउन मतलब किसी का भी नाम, एक नाउन होता है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम एक नाउन होता है। और आपने अक्सर गौर किया होगा कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बात में हम अक्सर किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का जिक्र कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको इतना अहम रोल मिला है, इसका इतना अहम पद है। और दूसरा मेंबर है मिसेज वर्ब, यानी वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, कोई भी काम। तो जिस तरह से हमारे घर में हमारे जो फादर हैं, वो बाहर का सारा काम देखते हैं और हमारे घर का नाम भी उन्हीं के नाम पे चलता है, लेकिन हमारी जो मदर होती है, हमारी जो माताजी होती है, जो मिसेज वर्ब है, वो घर का सारा काम देखती है। अब काम मतलब एक्शन, तो जितने भी एक्शन है वो वर्ब होते हैं, जैसे आना जाना, खेलना, उठना, बैठना, ये सभी वर्ब है। अब आपको एक बहुत बारीक बात बताऊं, देखिए, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सबसे अहम रोल एक नाउन और एक वर्ब का ही होता है। और सबसे बड़ी बात, भले ही आठ मेंबर हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ हैं, बट ये दो भी अपने आप में एक सेंटेंस बना सकते हैं, यानी घर बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं, राधा डांसेज, राधा नाचती है, तो इसमें राधा क्या है, एक नाउन है, किसी का नाम है, और वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो डांस क्या है, एक वर्ब है। अब ये अपने आप में एक फुल सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, जिसका कोई सेंस, कोई अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इन मिस्टर नाउन को और मिसिज वर्ब को, जो इस फैमिली के चीफ है, एक कपल है, उसको इतना अहम पद दिया गया है। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, जयपुर इज अ स्मार्ट सिटी, ये छोटा सा सेंटेंस है, इसमें पांच छह वर्ड है, लेकिन सबसे चीफ वर्ड कौन से है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जयपुर की बात कर रहे हैं, तो जयपुर एक नाउन हुआ और इज हमारा वर्ब हुआ। ध्यान रखना, इस सेंटेंस में से आप इज को निकाल दो, फिर ये कुछ वर्ड रह जाएंगे, एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। उसके बाद जयपुर इज स्मार्ट, एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का क्या रोल है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इसमें जो दूसरा नाउन है वो है सिटी, यानी शहर। और एक नाउन को पहचानने की सबसे सरल विधि क्या है, किसी भी सेंटेंस में कितने भी वर्ड हो, बट जो वर्ड हमें सबसे जल्दी छू जाए या हमें सबसे स्पष्ट नजर आए या जिनके बारे में बात चल रही हो, वही नाउन होते हैं। तो इसमें देखिए, जयपुर नाउन है और सिटी नाउन है और इज एक वर्ब है। तो साथियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाउन और वर्ब के बिना हम किसी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारी ग्रामर फैमिली के चीफ है और पूरी फैमिली इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। अब इस ताने बाने को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक कपल मिस्टर नाउन और मिसिज वर्ब, इनकी तीन संतान है, जिनमें से एक पुत्र है जिसका नाम है प्रोनाउन और दो पुत्रियां हैं, टू डॉटर्स हैं, एक का नाम है एडजेक्टिव और एक का नाम है एडवर्ब। अब इनके फंक्शन, इनके काम जानते हैं। देखिए, प्रोनाउन, अब प्रोनाउन को आप जानते हो कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन के स्थान पर काम में आते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन का एक ही काम है, अपने फादर जो मिस्टर नाउन है, उनकी एब्सेंस में सारे काम संभालना, यानी उनकी एब्सेंस में सारे काम करता है। जैसे मैंने अभी लिखा था, राधा डांसेज,
राधा नाचती है, तो इसमें नाउन कौन था? राधा थी। अब राधा के स्थान पर मैंने लिखा सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो सी वर्ड किसके लिए आया? राधा के लिए। तो सी यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राधा को कर रहा है। तो राधा यानी नाउन के स्थान पर जो वर्ड काम में आते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाउन की एब्सेंस में जो वर्ड काम में आते हैं वो प्रोनाउन है, इसीलिए एक बेटे का रोल अदा करता है। ध्यान रखना, हमारी फैमिली में हमारे पिता के बाद जो बेटे हैं उनको ही अगला मुखिया माना जाता है। अगर घर पे पिता नहीं है तो हम बेटे से भी काम चला सकते हैं। तो जितने भी नाउन हैं उनके स्थान पर कुछ वर्ड जो काम में आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मोहन, राकेश, अनिल, इनके लिए ही आएगा। गीता, सीता, कविता के लिए सी आएगा। अगर कोई डॉग है उसके स्थान पे इट आएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा लोग है जैसे पीपल है उसके स्थान पे दे आएगा। तो ये सारे प्रोनाउन है जो एक नाउन के स्थान पर काम में आते हैं, इसलिए इनकी पोजिशन एक सन एक बेटे की होती है। तो इस फैमिली का जो एक बेटा है जिसका नाम है प्रोनाउन, उसके क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये हमने समझ लिया। अब इस कपल के दो बेटियां हैं जिनमें एक का नाम है एडजेक्टिव, एक का नाम है एडवर्ब। इनके क्या फंक्शन है, क्या काम है, ये हम समझते हैं। देखिए, जो एडजेक्टिव नाम की बेटी है जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, उसका बस एक ही काम है, अपने पिता जो मिस्टर नाउन है उसकी विशेषता बताना, उसकी बढ़ाई करना, उसकी प्रेज करना, और साथ में अपने भाई जिसका नाम है प्रोनाउन उसकी भी बढ़ाई करना। और हाँ, साथ में ये भी याद रखना, ये सिर्फ बढ़ाई नहीं करती, ये साफ कहती है अगर इनमें कोई बुराई है तो वो भी कह देती है। यानी किसी की विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कौन हुआ? एक नाउन हुआ, यानी पिता हुआ। अब इस पिता के बारे में क्या बताया कि वो अच्छा है, तो जो गुड जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता है। साथ में ये भाई प्रोनाउन की बता सकती है, जैसे ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो ही वर्ड क्या है, इस राम के लिए आया, तो राम यानी नाउन है, पिता है, और ही क्या है, उसका बेटा है, प्रोनाउन है जो उसकी एब्सेंस में काम चला रहा है। और ही के बारे में भी क्या बताया, ऑनेस्ट यानी ईमानदार है। तो ध्यान रखना, एक नाउन की विशेषता बताएगी और एक प्रोनाउन की विशेषता बताएगी। तो ये काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, और इस लैंग्वेज में कह सकते हैं करती है। तो दो बेटियां हैं, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव हमेशा अपने पिता नाउन की बढ़ाई करती है और अपने भाई प्रोनाउन की बढ़ाई करती है। ध्यान रखना, ये सन लिखा हुआ है ना, लेकिन इस एडजेक्टिव का तो भाई लगेगा ना। और हाँ, ये बुराई भी कर सकती है, जैसे राम इज अ बैड बॉय, राम एक खराब लड़का है, बुरा लड़का है। तो पिता में कोई बुराई हुई तो उसको भी बता दिया। तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव नाम की बेटी या एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले वर्ड हमेशा किसी नाउन की विशेषता बताते हैं या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उनकी कोई कमी बताते हैं। तो और अब हम देखते हैं इस दूसरी बेटी के फंक्शन जिसका नाम है एडवर्ब। जैसा कि नाम में ही आ रहा है एडवर्ब, अगर माना किसी घर में दो बेटियां हैं तो आपने देखा होगा एक बेटी अपने पिता के अधिक करीब रहेगी, एक बेटी अपने माता के करीब रहेगी। तो जो एडजेक्टिव है ना, वो तो अपने फादर और अपने भाई के करीब है, इनके बारे में बखान करती है, इनकी प्रेज करती है। लेकिन जो एडवर्ब नाम की बेटी है ना, ये मोस्ट ऑफ मिसेज वर्ब यानी अपनी माताजी की बढ़ाई करती है, माताजी के बारे में पूरे दिन बखान करती है कि माताजी ने क्या किया, कब किया, कैसे किया, कहां किया। यानी माताजी यानी मिसेज वर्ब जो जो करती है उसके बारे में दूसरी बेटी एडवर्ब बताती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मोहन रन्स फास्ट, मोहन तेज दौड़ता है। अब ध्यान रखना, यहां पे मोहन मिस्टर नाउन है, कोई नाम है, लेकिन ये रन क्या है, दौड़ना क्या है, मिसेज वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। अब दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट, तेजी से। तो ध्यान रखना, उसके दौड़ने की विशेषता को बताया किस वर्ड ने, फास्ट ने। तो फास्ट क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ, यानी वर्ब के बारे में जो बताए वो एडवर्ब होता है। अब एक बात और याद रखना, जो एडवर्ब नाम की बेटी है ना, ये अपनी माँ की बढ़ाई तो करती है, माँ के बारे में तो बताती है, लेकिन इसके साथ ये दो काम और भी कर सकती है, ये खुद के बारे में भी बता सकती है, यानी खुद की विशेषता को भी ये बता सकती है, और साथ में अपनी बहन जिसका नाम है एडजेक्टिव उसकी भी विशेषता को बता सकती है। यानी एक एडवर्ब खुद एडवर्ब को और एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे अभी खुद को कैसे करेगी, इसी एग्जाम्पल से देखिए, मोहन रन्स वेरी फास्ट, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब कैसे हुई। अब जो फास्ट है ना, तेज, कितना तेज दौड़ता है, इसको भी मॉडिफाई किया वेरी ने, तो वेरी फिर एक और भी एडवर्ब हो गया। यानी इस एडवर्ब के बारे में भी इस वेरी वर्ड ने बताया, जो भी एक एडवर्ब है।
और अब एक एग्जांपल ये देख लो कि अपनी बहन एडजेक्टिव को भी कैसे मॉडिफाई करती है, यानी उसकी भी कैसे बढ़ाई करती है। जैसे मैं कहूं सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इस ब्यूटीफुल को भी किसने मॉडिफाई किया, यानी इसकी भी पढ़ाई किसने की, बहुत, वेरी ने, तो वेरी वर्ड क्या है, एक एडवर्ब है। तो ध्यान रखना ये दो बहन है जो हमेशा किसी की भलाई बुराई करने का काम करती है। जो एडजेक्टिव नाम की बेटी है वो हमेशा अपने पिता नाउन के बारे में या फिर अपने भाई प्रोनाउन के बारे में बताती है, जबकि जो एडवर्ब है वो मोस्ट ऑफ तो अपनी माता यानी वर्ब के बारे में बताती है। तो ध्यान रखना ऐसे वर्ड जो वर्ब के बारे में बताएं कि वर्ब कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, वो एक सेंटेंस में एडवर्ब होते हैं। अब चलिए आपको इस फैमिली के कुछ और मेंबर से रूबरू करवाते हैं। देखिए इस फैमिली के टू सर्वेंट हैं, दो नौकर हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है प्रिपोजिशन और एक का नाम है कंजक्शन। तो जो प्रिपोजिशन है उसके बारे में खास बात, वो मिस्टर नाउन जो कि फैमिली का पिता है उसका एक ऑफिशियल सर्वेंट है, उसका एक चीफ सर्वेंट है जो हमेशा इस मिस्टर नाउन का ही ख्याल रखता है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी प्रिपोजिशन है वो हमेशा किसी नाउन से पहले, प्रीपोजिशन से पहले आता है, ध्यान रखना नाउन से ही पहले आएगा। एग्जाम्पल से देखिए, मैं लिखूं यहां पर इन द रूम, कमरे में, तो इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और रूम क्या है, एक नाउन है, तो हमेशा ये नाउन से पहले ही आएगा, प्री पहले आएगा। जैसे मैं लिखूं ऑन द रोड, सड़क पर, तो ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, रोड क्या है, एक नाउन है। जैसे मैं लिखूं टू मार्केट, ठीक है, मार्केट क्या है, बाजार क्या है, एक नाउन है, उससे पहले टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो ध्यान रखना जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा मिस्टर नाउन यानी पिता का ऑफिशियल सर्वेंट है, यानी उससे ही पहले आता है। और आप जानते हैं दूसरा सर्वेंट जिसका नाम है कंजक्शन, उसका क्या काम है, ध्यान रखना जो प्रीपोजिशन है वो मिस्टर नाउन का ही ऑफिशियल सर्वेंट है, केवल उसी की सेवा करता है, जबकि जो कंजक्शन होते हैं वो पूरी फैमिली का सर्वेंट है, पूरी फैमिली में किसी की भी मदद वो कर सकता है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो कंजक्शन होते हैं ना वो किसी भी वर्ड को या किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो किसी वर्ड, और वर्ड का मतलब वो वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, उनको कनेक्ट करने का काम हमारे सेंटेंस में कंजंक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैं यहां पे लिखूं राम एंड हिज फादर, राम और उसका पिता, तो राम क्या है, मिस्टर नाउन है यानी नाउन है, और हिज क्या है, एक प्रोनाउन है, उसका बेटा है, तो इन दोनों को ये यानी बाप और बेटे को कनेक्ट कर रहा है, तो ये सबकी सेवा कर रहा है। जैसे मैं यहां पे लिखूं ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये वाली बेटी है, और स्मार्ट क्या है, सुंदर, ये भी एडजेक्टिव, ये वाली बेटी है, तो ये एंड क्या है, एक कंजक्शन है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जो कुछ फेमस कंजक्शन है वो आप जानते होंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड, बट, येट, सो, ये सभी कंजक्शन है, और ये टू वर्ड्स को या टू सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, और जो वर्ड है वो कोई भी हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंजक्शन है वो पूरी फैमिली के ऑफिशियल सर्वेंट है, सभी की सेवा करते हैं, सभी को जोड़ने का काम करते हैं। और साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फैमिली में, ग्रामर फैमिली में कुल 8 मेंबर हैं, 7 के बारे में हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखिए कपल में 1, 2 मिस्टर नाउन और मिसेज वर्ब 2 हो गए, और सन प्रोनाउन 3 हो गया, डॉटर में एडजेक्टिव एडवर्ब 3 और 2, 5, और टू सर्वेंट प्रीपोजिशन और कंजक्शन 7, और एक और है जो एक गेस्ट है। ध्यान रखना अगर हमारी फैमिली में हम ही हम रहे, बाहर का कोई आए ना जाए, तो भी एक फैमिली नहीं होती। तो किसी फैमिली में एक खास गेस्ट होता है जो उस फैमिली के सुख दुख या फिर आश्चर्य में जरूर प्रकट होता है, और इस गेस्ट का नाम है इंटरजेक्शन। इसे हम कह सकते हैं ये मामा है, एक मामा ऐसा कैंडिडेट होता है, एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो हर सुख और दुख में हमारी फैमिली में शरीक होता है, ये इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन आपको पता है ऐसे वर्ड होते हैं जो खुशी, दुख या आश्चर्य के समय प्रकट किए जाते हैं, जैसे हुर्रे खुशी के वक्त, और नो अलास दुख के वक्त, या हाउ और व्हाट जिनमें आश्चर्य प्रकट होता है, तो ये इंटरजेक्शन वर्ड है। एग्जांपल के लिए देखिए, मैं कहूं ओ नो आई हैव फेल्ड, ओ नो मैं फेल हो गया, तो ओ नो क्या है, यहां पर इंटरजेक्शन है, दुख प्रकट करने वाला वर्ड है, या फिर इसकी जगह पर हम अलास भी कह सकते हैं, अलास अफसोस की बात है मैं फेल हो गया, अगर वो पास होता तो फिर हुर्रे, जैसे यहां पे आता हुर्रे आई हैव पास, मैं पास हो गया,
तो यहाँ पे जो हुर्रा वर्ड है वो क्या है, एक इंटरजेक्शन है। तो ध्यान रखना, हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे हमारी खुशियों में और दुखों में शरीक होने आते हैं, इसीलिए ये गेस्ट कहलाया। तो साथियों ये था वीडियो, ये थी एक छोटी सी कहानी, एक रिलेशंस का ताना बाना, जिसके माध्यम से मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मैं समझता हूं कि मेरी कोशिश सफल रही होगी। आपने इन रिलेशंस के माध्यम से इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास किया होगा, आपको ये समझ में आ गए होंगे। और हाँ, ये तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक फनी वे में आपको एक रिलेशंस के माध्यम से बताया, लेकिन अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आपको डिटेल में चाहिए, तो इन पर मैंने सेपरेट पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आठों पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह से एक स्टोरी के माध्यम से, रिलेशंस के माध्यम से जानने का मौका मिले। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।